आज जैसे ही मैं शिमला से घर पहुंची हूं तो मेरी मम्मी की सबसे पहले रिक्वेस्ट आई है कि आ, कि गितू पकोड़े बना ले क्योंकि घर पे अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मेरी मम्मी घास लेकर आ गए हैं और इस वक्त उन्होंने बोला कि जल्दी से पकोड़े बना दे और अपनी जो ताइजी हैं उनको भी पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था हमारे घर पर तो उनके लिए भी मैंने सबके लिए बनाया हम चार पाँच लोग हैं घर पर तो हमने सबके लिए जल्दी से मैंने ये पकौड़े बना दिए और इसमें फटाफट से मैंने मसाले वगैरह कूट के जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत आता है ज़्यादा नहीं आते मुझे खास बनाने तो मैंने थोड़े से मसाले जो पर घर पर पड़े थे हल्दी नमक अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने फटाफट से एक मिक्सचर बना दिया और इसके बाद मुझे ये ध्यान आया कि मुझे धनिया चाहिए था लेकिन मेरे पास धनिया नहीं था और साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ मेथी के पत्ते मिल जाते तो भी बहुत अच्छा होता तो तो मैं फटाफट से सोचती हूँ सोच, सोच क्या रही हूँ तो फटाफट से निकलती हूँ तो मैं फटाफट से खेत में जाती हूँ और खेत में मैंने ढूँढना शुरू कर दिया है कि मुझे कहीं ना कहीं पत्ते मिल जाए मेथी के भी और साथ ही साथ मुझे धनिया के भी पत्ते मिल जाए तो मैंने काफ़ी कोशिश करी बहुत जगह ढूँढा लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे तो मैं आगे और ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि आगे कहीं कहीं थोड़े से मिल जाए तो काफी है लेकिन यहाँ जाके मुझे मिलते हैं आम और ये देखो ये कितने प्यारे आम है हाय मेरा तो दिल ही आ गया था कि हाय मैं इनको ले जाऊं लेकिन अभी ये पके नहीं है यहाँ नीचे जैसे भी बहुत सारे आम है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो यहाँ नीचे भी काफी आम है और ये बड़ा कितना ज़्यादा अच्छा आम है तो अभी ये सारे कच्चे हैं तो इनसे मेरा ध्यान हट गया क्योंकि मुझे अपना यहाँ काम करना था क्योंकि मुझे पकौड़े बनाने हैं और हमारे यहाँ पर मक्की भी तैयार हो गई है थोड़ी थोड़ी तो मैंने फिर एक बार ध्यान से कोशिश करी है देखने की लेकिन मुझे नहीं मिले तो अब वापस चलते हैं मेरे किचन में क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है तो मैंने अब पकौड़े का पेस्ट जो बनाया था उसी से अब मैंने पकौड़े तल दिए और ये बहुत अच्छे बने थे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे ये बने थे तो मैंने इसे बना लिया बरसात का मौसम तो है ही और साथ ही साथ पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए लेकिन यहाँ पर ये हो गया कि मैं जैसे ही घर पहुँची थी मैंने पकोड़े बनाने तैयार भी किए थे इतने अच्छे तल के ये आ भी रहे थे लेकिन ये बारिश का मौसम ही चला गया और बादल ही हट गए यहाँ से लेकिन बारिश ही नहीं हुई और मुझे मन कहा कि हम बाहर सब बैठ के थोड़े से पकोड़े खाएंगे और चाय पियेंगे साथ में तो अब ये लोग खा पी के साइड आराम से अपना टीवी देख रहे कोई सो गया तो मैंने सोचा जो थोड़ा सा बचा है मेरे पास मिक्सर तो उसमें मैं फटाफट से पकोड़े के साथ कड़ी बना देती हूँ और उसमें पकोड़े डाल के तैयार कर लेती हूँ तो इससे क्या मेरे फ़ायदा और ये हो गया कि मेरा रात का डिनर भी तैयार हो गया और बहुत जल्दी ही तैयार हो गया था तो अब बनाने की जरूरत भी नहीं है सिर्फ इसमें चावल और मक्की की रोटी हम शाम को बनाएंगे तो अब मैंने ये तैयार कर लिया है तो मैं सोच रही थी कि इसमें अभी कड़ी पत्ता भी डलना है तो फिर से मुझे जाना पड़ा अपने खेतों की तरफ तो मुझे फिर पहले एक कड़ी पत्ता दिखता है लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब ये और ज़्यादा देख लेते हैं जहाँ पर मुझे थोड़े अच्छे से पत्ते दिखे तो फिर मैं थोड़ी सी दूर और जाते हूँ वहाँ पर मुझे दिख जाते हैं ये कड़ी के पत्ते और यहाँ से मुझे मन करता है कि अब मैं इसे इस तोड़ ही लेती हूँ क्योंकि मुझे कड़ी जो है वो भी मैंने गैस पे चढ़ाई हुई है यहाँ से मैं कुछ पत्ते निकाल लेती हूँ और फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी आगे जाकर जो मैंने कड़ी पत्ता पहले देखा था वहाँ से भी कुछ पत्ते निकाल लेती हूँ तो मैं वहाँ से भी जाके थोड़े से पत्ते निकाल लेकर आई और वहाँ पे थोड़े से मेच्योर पत्ते थे और जो मैंने पहले निकाले वो थोड़े से अभी ग्रोथ अभी ही हुई है उनकी तो मैंने दोनों पत्ते जो हैं और ये लेकर आ गई मैं क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कड़ी पत्ता मिल जाता है क्योंकि शिमला में कड़ी पत्ता ढूंढना ही मुश्किल होता है तो इसे झाड़ना पड़ेगा मुझे पहले और इसे धोना पड़ेगा फिर जाकर मुझे इसे कड़ी में डालना है तो मैंने अब मेरी कड़ी तैयार हो चुकी है इसमें मैंने ऐसे ही डाल दी कई बार हम बांध भी देते हैं लेकिन मेरा अभी कोई मन नहीं है इसमें डालने का तो मेरा ब्लॉग खत्म हो गया है और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सबसे